आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। छह दिसंबर 1992 को संघ परिवार और हिंदू दहशतगर्दों के हाथों हुकूमत और अदलिया की निगरानी में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 28 साल गुजर चुके हैं और इस दिन को हम मुसलमानाने हिंद यौमे सिया के तौर पर मनाते हैं। ये हमारे लिए यौमे गम है और ये हमारे लिए साथ ही यौमे तजदीदे अहद का दिन है। यानी इस दिन हम ये अहद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ये वादा करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक के बाबरी मस्जिद उसके असल मुकाम पर दोबारा तामीर नहीं हो जाती। इस दिन हम ये अहद करते हैं अगरचे के 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया है। बाबरी मस्जिद की अराजी को राम मंदिर के हवाले कर दिया गया है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा जा चुका है और बाबरी मस्जिद के खातिलों और मुजरिमों को बाइज्जत बरी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मुसलमाना ने हिंद बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है, ये हमारी मस्जिद का मसला है और मस्जिद हमारे शायर हमारी अलामतों में से एक है और कोई भी कौम अपने शायर की बेहुर्मती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक ज़मीन का मसला नहीं है जैसा कि लोग समझ रहे हैं, बल्कि ये एक पूरी कौम के साथ नाइंसाफी का मसला है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है। आप देखें कि इस जमहूरियत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पर मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं और उन हुकूक को छीन कर अदालती जवाब भी फराहम किया जा रहा है और मुसलमानों की मसाजिद को हिंदुओं के हवाले किया जा रहा है और ये कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं हो रहा है, बल्कि अदालतें भी साथ में उनकी लगी हुई हैं। इस तरह की नाइंसाफी को जुल्म को हम किसी तौर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा आज यहाँ जमा होने का यही मकसद है कि हम ये ऐलान कर दें कि बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक के बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हालिया जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसले आए हैं, जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो साजिशें और जो मक्कारियां की जा रही हैं, ये किसी कौम की फतेह नहीं है। इस बात का हमारा ईखान है, ये फरीक़ मुखालिफ की जीत नहीं है और ना ये हमारी हार और शिकस्त है, बल्कि बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद जारी रहेगी, ये जंग बाजियाबी की जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक के हम बाबरी मस्जिद को दोबारा हासिल नहीं कर लेते, चाहे इस काम में सदियां लग जाएं। मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि चाहे इस काम में सदियां लग जाएं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, उसकी बाजियाबी की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और ये फरीज़ा और ये फ़र्ज और ये जज्बा हम अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, ताकत दे, हौसला और हिम्मत दे कि हम तेरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर कर सकें। और हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद संघ परिवार के निशाने पर हैं, काशी मथुरा की मस्जिदें और साथ में 3000 मसाजिद पर जो उनका दावा है, उन मस्जिदों के ताल्लुक से भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो कुव्वत दे, ताकत दे कि हम तेरे मसाजिद की हिफाजत कर सकें, उनका तहफ्फुज़ कर सकें, वीरान मसाजिद को आबाद कर सकें और जो शहीद की गई मस्जिदें हैं उनको बाजियाब करा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है।
साथ में मैं मुसलमाना ने हिंद से भी ये अपील करती हूँ कि वो बाबरी मस्जिद के जख्म को अपने दिलों में ताज़ा रखें, 6 दिसंबर को यौम सिया मनाएं, अपने घरों पर अपने बाजुओं पर काले झंडियाँ लगाएं, काले झंडे लगाएं और पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दें कि मुसलमाना ने हिंद बाबरी मस्जिद को न भूले हैं और न उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। ख्वातीन सईदाबाद से जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।